गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज 2.3। 2.3 में ऐड है आपके, तो ऐड यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ए वाले जो को ऐड है, एडिशन है, ये आपको नोटबुक के अंदर ही नोट करना है और सॉल्व करना है। नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, नोटबुक के अंदर नोट नहीं करना है। ये ए वाले क्वेश्चन जो हैं ये बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, नोटबुक के अंदर नोट नहीं करना है। आपको जो मैं नीचे बी वाले करवाऊँगी वो आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, ओके। अब ये वाले देखो, एडिशन देखो, इसमें 2+8 हमेशा, या हम कहाँ से एडिशन शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरह चलते हैं, यानी वंस प्लेस से। ये 2 और 8 कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे। 6 और 1 कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। 3 और 5 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पर। आप लोग ऐसे नहीं करना, जब कॉपी के अंदर नोट करो तो 2 और 8 ऐसे नहीं आगे की साइड लिख दो, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही करना है, ठीक है। 2+8 10, 10 की 0, कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, 3+5 8, 2 और 9 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 2 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखो ये 2 और 3 आपको अपने आप सॉल्व करना है, ये आपको नोटबुक के अंदर ही सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भी हम राइट हैंड साइड से प्लस करते हुए कहाँ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, प्लस किया हमने, 6 और 4 10 और 8 18 का 8 1 कैरी, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 8 और 5 13 के 3 1 कैरी, 8 और 1 9 और 6 15 और 5 20 के 0 2 कैरी, 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 5 और 2 7। ऐसे ही 5 और 6 क्वेश्चन आपको बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, नोटबुक के अंदर नहीं करना है ये क्वेश्चन, ओके। और बी वाला पोर्शन, फाइंड द सम अप, आपको ये वाले क्वेश्चन जो है नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखो इधर, फाइंड द सम अप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, पहले मैंने देखो, इसमें ऊपर मैंने 1, 10, 100, 1000, 10,000 लिख दिया, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखना, मैंने वंस यहाँ लिखा है, आपको ये वंस इधर ही होगा राइट हैंड साइड। कुछ बच्चों ने क्या किया है, वंस को क्या कर दिया है, इस साइड कर दिया है, ये ऐसा नहीं, वंस हमेशा राइट हैंड साइड ही होगा। राइट हैंड साइड से हम प्लस करते हुए कहाँ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ठीक है। अब वंस प्लेस पे हमने रख दिया देखो 4, और उसके बाद टेंस प्लेस पे 5, और 200 प्लेस पे, और 3 टेंस प्लेस, 1000 प्लेस पे, और 6 10,000 प्लेस पे, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम इसको नीचे से जो एंड उसको प्लस करना है, जो हमको वो संख्या है, देखो इधर 6 को वंस प्लेस पे, 4 को टेंस प्लेस पे, और 0 को 100 प्लेस पे, और 9 को 1000 प्लेस पे, और 2 को 10,000 प्लेस पे। इसको रखने के बाद हम संख्या को प्लस करेंगे, 4 और 6 को प्लस किया तो 10, 10 की 0, 1 कैरी ऊपर, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 9 और 3 12, 12 के 2, 1 कैरी, 6 to 8 और 1 कैरी 9। कैरी यहाँ पे शो करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन अब देखो, 2 वाला आपको अपने आप सॉल्व करना है नोटबुक के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाने जा रही हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन देखो आपका, वो सॉल्व कर रही हूँ मैं। इसमें क्या दिया है, 21,987, 81,832 और 559,909, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पहले नोट करोगे, फिर सॉल्व लिखोगे। सॉल्व लिखने के बाद आप देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पे 21 किस पे, कहाँ पे, 1000 प्लेस पे, 10 और 1000 प्लेस पे, तो हमने 21 लिख दिया। 100 प्लेस पे क्या था, 9, तो हमने 9 लिख दिया। 87 टेंस और 1 प्लेस पे था। ऐसे आगे सेकंड संख्या है जो है वो 1000 नंबर पे, तो हमने 1 को 1000। 800 प्लेस पे, तो हमने 800 प्लेस पे, और 32 टेंस और 1 प्लेस पे, तो हमने लिख दिया उसी जगह। अब यहाँ पे 59,000 किस पे, 1000 और 10,000 प्लेस पे, तो हमने लिख दिया उसको 900 प्लेस पे और 9 वंस प्लेस पे, ठीक है। अब इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। 7 में 2 प्लस किया तो 9, 9 में 9 प्लस किया तो 18, 18 का 8 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 3
12 के 2, 1 के 3, 9 और 1 10, 8 और 18, 18 और 9 क्या हो जाएगा 27, 7 और 2 के 3, 2 और 1 3 और प्लस 4, 4 और 9 13, 13 के 3, 1 के 3, 2 और 3, 2 और 1 3 और 5 8, ये इस तरह से आपका प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप अपने आप सॉल्व करोगे, 5 वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें भी आपको ध्यान रखना है वंस टेंस का, ध्यान रखना संख्या वंस की संख्या वंस के नीचे लिखना और टेंस की संख्या टेंस के नीचे, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन नोट करोगे, उसके बाद सॉल्व डालोगे, उसके बाद वंस टेंस लिख देना ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 3785, यानी 3 तो हमने 1000 के यहाँ रख दिया है और 700 के यहाँ और 85 वंस और टेंस पे, और यहाँ पे 180 यानी कि 100 हम 100 के प्लस के नीचे और टेंस और वंस के नीचे 08 रख देंगे। आगे ही आपका 4789 यानी 4 को हम 1000 प्लस पे 789, 700 प्लस पे 89 यानी 10000 पे कोई संख्या नहीं दे रखी तो हम नहीं लिखेंगे, ओके। लेकिन जब फोर्थ संख्या है वो 15000 है तो हम 1000 और 10000 पे लिख देंगे और 0 100 पे है और 64 वंस और टेंस पे है, ठीक है। अब हम हमेशा राइट हैंड साइड से प्लस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, 5 और 8 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 22 और 4 26, 6 2 3, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 18 और 6 24, 24 का 4 2 3, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 17 का 7, 1 3, 3 + 1 4, 4 और 4 8 और 5 13 के 3, 1 3, 1 ये और ये केरी वाला 1 2 हो जाएंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर सॉल्व हो गया। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, इसको वो पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और उसके बाद सॉल्व लिख के वही वंस टेंस लिख देना ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप इसमें देखो ध्यान से 38000 है तो 38000 और 10000 के नीचे और 100 प्लेस पे 0 है तो हमने रख दिया और 32 वंस और टेंस प्लेस पे। आगे देखो 19000 प्लेस पे तो हमने 1000 और 10000 प्लेस पे रख दिया और 200 प्लेस पे और 80 वंस और टेंस प्लेस पे और 4000 प्लेस पे और 89, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस पे 1 है और 99, ठीक है 190। अब इसको हम प्लस करेंगे, 9 + 9 18, 18 और 20 की 0, 2 के 3, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 8 21 और 9 30, 30 की 0, 3 के 3, 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 9 17 और 4 21, 1 और 2 के 3, 2 और 3 5 और 1 6। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 वाला क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ए वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर नहीं करना है, ओनली बुक के अंदर ही करना है। बी वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करना है। मैंने आपको क्वेश्चन 1 3 5 और 7 वाले सॉल्व करवाए, 2 4 6 8 ये आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। ये नोटबुक के अंदर 80 क्वेश्चन होने चाहिए, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।